हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंगद कुमार जीके जीएस पे। मैं अंगद कुमार। दोस्तों, एसएससी जीडी 2021 का आप सबने फिजिकल कंप्लीट कर लिया है, उसका दोस्तों अब फिजिकल का रिजल्ट आने वाला है। फिजिकल के रिजल्ट में दोस्तों हमको मेडिकल कट ऑफ देखने को मिलेगी, उसके बाद दोस्तों आपको फाइनल कट ऑफ आएगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी मेडिकल की क्या रहने वाली है और फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है। उससे पहले दोस्तों, बच्चों को जो सबसे बड़ा डाउट चल रहा है कि आपका रिजल्ट कब आएगा। दोस्तों, जो आपका पीईटी पीएसटी हुआ था, फिजिकल एक तरह से बोल सकते हैं इसको, पीईटी पीएसटी दोस्तों हुआ था, इसका दोस्तों रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए, इसका अभी नोटिफिकेशन कहीं भी नहीं आई है, लेकिन मेरी कुछ लोगों से बात हुई है तो उन्होंने एक डेट मेरे को बताई है। तो डेट को दोस्तों मैं इस वीडियो में तो नहीं, अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपका फिजिकल रिजल्ट कब आएगा। और मेडिकल की डेट दोस्तों, जो आप 26 अगस्त पता चल रही है आपको, मेडिकल जो बताया जा रहा है कि 26 अगस्त दोस्तों, ये न्यूज़ देखिए 100% तो ऑथेंटिक नहीं कह सकते ऑफिशियल, लेकिन कहीं कहीं मेडिकल दोस्तों इसी के आसपास होने वाला है, एक दो दिन ऊपर नीचे होने वाला है। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मेडिकल की कट ऑफ और रिजल्ट की डेट क्या रहने वाली है और मेडिकल की डेट क्या रहने वाली है। तो अभी तक दोस्तों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों एसएससी जीडी 2021 का मैं भी एक कैंडिडेट हूँ और 2018 को भी मैंने एग्जाम दिया था, 2021 का भी मैं क्वालिफाई हूँ, फिजिकल भी मेरा कंप्लीट है, मैं भी मेडिकल की बात वेट कर रहा हूँ। इसमें जो दोस्तों मेरे मार्क्स हैं वो कट ऑफ से 22 नंबर एक्स्ट्रा हैं, मेरे भी फाइनल इस बार पूरे पूरे चांस हैं कि हो जाएंगे 2021 में, कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। और दोस्तों पेपर देखिए, मैंने 2021 में भी दिया है, 2018 में भी दिया था, तो इस आधार पर दोस्तों हम फाइनल आपको कट ऑफ बताने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों बहुत से यूट्यूबर आपने देखा होगा ना तो उन्होंने फिजिकल देने गए दोस्तों, उससे पहले ना उन्होंने रिटेन का एग्जाम दिया, ना दोस्तों उन्होंने एग्जाम दिया, ना उन्होंने फिजिकल दिया, फिर भी कट ऑफ पे कट ऑफ बताए जा रहे हैं। कट ऑफ दोस्तों सटीक वही बता सकता है जो कि एग्जाम दिया हो दोनों बार का, पिछली बार भी इस बार का, और फिजिकल कंप्लीट किया हो, कितने बच्चे क्वालिफाइड हो रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कट ऑफ क्या रहने वाली है। इस वीडियो में दोस्तों हम स्पेशली आपको मध्य प्रदेश एमपी की, मध्य प्रदेश की कट ऑफ बताने वाले हैं, क्योंकि बहुत बच्चों के दोस्तों रिक्वेस्ट आ रही थी, बोल रहे थे कि एमपी की कट ऑफ बताइए सर, एमपी की कट ऑफ बताइए। बाकी स्टेट की मैंने दोस्तों बहुत सी स्टेट की कट ऑफ बता दिया, प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। और अब दोस्तों अगर आपने कट ऑफ नहीं मिली तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा आपको किस स्टेट की कट ऑफ चाहिए। अगली कट ऑफ जो होगी दोस्तों पंजाब स्टेट की होगी, बहुत से बच्चे बोल रहे थे तो पंजाब की तो हरियाणा पंजाब की मैं डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ, जल्दी से आपको कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के जनरल एरिया का और बॉर्डर एरिया के अलग अलग दोस्तों हम बात करेंगे, क्योंकि अलग अलग कट ऑफ हुई है। उससे पहले दोस्तों हम ये देखते हैं कि सबसे पहले 18 में देखिए वो 2021 में क्या हुआ था। 2021 में आप जानते हैं दोस्तों कि आपके पेपर में निगेटिव मार्किंग थी, और निगेटिव मार्किंग की वजह से दोस्तों पेपर का लेवल बहुत हाई था और दोस्तों जीके जीएस जो था वो बहुत ज़्यादा टफ था, इसलिए कट ऑफ कम गई है। और दोस्तों पेपर मैंने भी दिया है, और फिजिकल दोस्तों क्वालिफाई करने की रेशियो है वो मात्र दोस्तों मेरा एनालिसिस है पिछली बार के अपेक्षा, कि वो 32 से लेके दोस्तों 35% ही बच्चे ओवरऑल फिजिकल क्वालिफाई किए हैं। बहुत से बच्चे कहेंगे कि मेरे यहाँ तो 50% बच्चे, तो दोस्तों जो रिपोर्टिंग हो रही थी, आप देखिए एक बार ध्यान से इस चीज़ को समझिए कि जो 350 की रिपोर्टिंग दोस्तों हो रही थी उसमें से लगभग 220-230 बच्चे ही, अब 230 में से किसी भी सेंटर पे 110-115 बच्चे ही क्वालिफाई कर रहे थे। अगर दोस्तों 350 में से 120 का परसेंटेज निकालेंगे तो लगभग 30-32% की रेशियो बनती है, इसलिए दोस्तों फिजिकल क्वालिफाई करने का रेशियो जो इस बार का है वो 35% भी दोस्तों कम है, आप देख लीजिएगा। तो जितने ये बच्चे दोस्तों बुलाए गए हैं इस बार, इसका परसेंटेज निकाल के देख लीजिएगा कितने बच्चे क्वालिफाइड है, अगली वीडियो में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, जनरल एरिया के दोस्तों जो कट ऑफ इस बार गई है 2021 में वो कितनी गई है आप देख लीजिए एक बार। जनरल की गई है दोस्तों 64 गई है, और ओबीसी का 65 गई है। देखिए दोस्तों ज़्यादा गई है, हम बताएंगे क्यों ज़्यादा गई है। एसटी की देखिए 45 गई है, और एससी की दोस्तों 58 गई है, ईडब्ल्यूएस की दोस्तों 52 गई है। अब दोस्तों एक बार हम 2018 वाले कट ऑफ को एक बार देख लेते हैं, उसकी कट ऑफ कितनी गई थी। ये देखिए यहाँ पे दो कट ऑफ दिख रही होगी, ये ऊपर वाली कट ऑफ दोस्तों आपके फिजिकल के लिए क्वालिफाई कट ऑफ थी, ये नीचे वाली कट ऑफ दोस्तों आपके मेडिकल के लिए, हम दोनों एक साथ लगा दिए हैं, मेडिकल ये कट ऑफ थी। पिछली बार देखिए दोस्तों जो जनरल की 73 नंबर कट ऑफ गई थी, और ओबीसी के 73 नंबर, एससी के 66 नंबर,
और जो तो एसटी की दोस्तों वो थी आपकी 58 नंबर। तो देखिए पिछली बार 73 गई थी दोस्तों और इस बार देखिए आपकी 64-65 गई है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि लगभग 8 से दोस्तों 9 नंबर दोस्तों आपकी कट ऑफ कम गई है। तो ये कम जाने का वजह क्या है दोस्तों, पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा हाई था और निगेटिव मार्किंग थी। अब देख लेते हैं कि पिछली बार कट ऑफ कितनी जंप की थी मेडिकल के लिए। तो देखिए दो नंबर दोस्तों आपके जनरल की मेडिकल के लिए कट ऑफ जंप की थी, जनरल एरिया में 2 नंबर की जंप की थी और ओबीसी के लिए 3 नंबर जंप की थी। वैसे ही दोस्तों एससी के लिए यहाँ पे 2 नंबर कट ऑफ जंप की थी, एसटी के लिए भी देख सकते हैं आप यहाँ पे 3 नंबर कट ऑफ की थी। कुल मिला के 2 से 3 नंबर दोस्तों पिछली बार मेडिकल के लिए कट ऑफ जंप की थी। और दूसरी बात देखिए दोस्तों, अब फाइनल कट ऑफ हम देख लेते हैं। सबसे पहले 18 की, तो आप देखेंगे जनरल एरिया में कट ऑफ लगी है दोस्तों जो 73 पे। सबसे कम जो दोस्तों पिछली बार कट ऑफ गई थी वो जनरल एरिया की गई थी, वो बीएसएफ पोस्ट के लिए, जिसका ए होता है बीएसएफ पोस्ट। आप देखिए जिन यूआर की 80 कट ऑफ आपकी गई है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं मिनिमम जो कट ऑफ बढ़ी थी पिछली बार वो 7 नंबर देखिए आपकी बढ़ी थी। ओबीसी की देखिए 81 पर कट ऑफ लगी है, इनका 8 नंबर बढ़ा है। वैसे सीएसएफ की आप देखें दोस्तों, ये 85 पर कट ऑफ लगी है, 73 से आप देख सकते हैं कितनी जंप करके 85 पर लगी है। आप देख लीजिए जो सीआरपीएफ की सर पोस्ट नहीं है, पिछली बार देखिए 83 पे। तो सबसे कब से कम पोस्ट आपकी बीएसएफ ही लगी थी, लगभग 7 नंबर कट ऑफ दोस्तों पूरी बढ़ी थी वैसे ही मेडिकल की। तो इस बार दोस्तों मेरा अनुमान है कि जो मेडिकल की आपकी कट ऑफ है, आप किसी भी देखिए दोस्तों कैटेगरी की लगभग कट ऑफ सारी सेम बढ़ती हैं। आपकी कट ऑफ कम होती है इसलिए कट ऑफ कम बढ़ती है, लेकिन जो जंप करती है लगभग दोस्तों कट ऑफ उतनी ही जंप करती है। कोई अगर फीमेल वीडियो देख रही होंगी तो उनकी भी कट ऑफ उतनी जंप करेगी, लगभग कट ऑफ कम लगती है लेकिन जंप लगभग बराबर करती है कट ऑफ जंप। इस बार दोस्तों मेल की जो इसमें दोस्तों जो मेडिकल की कट ऑफ जंप करने वाली है 1 नंबर तक जंप करने वाली है, और ईडब्ल्यूएस से दोस्तों आप 53 नंबर के आसपास हैं दोस्तों, तो आपको मेडिकल के लिए बुला लिया जाएगा क्योंकि दोस्तों कम बच्चे के मार्क्स हैं तो कट ऑफ कम पे ही जंप करेगी। 53-54 आप इसको मान लेते हैं, थोड़ा कर लेते हैं, 1 नंबर से अगर 2 नंबर तक आपको ज़्यादा है दोस्तों तो आपको क्या मेडिकल के लिए बुला लिया जाएगा आराम से। वैसे ही एससी में भी 1 नंबर से 2 नंबर दोस्तों आपको ज़्यादा है तो मेडिकल में बुला लिया जाएगा, एसटी में भी 1 नंबर से 2 नंबर, यहाँ पे दोस्तों हो सकता है आपको ओबीसी में 2 से 3 नंबर भी देखने को मिल जाए क्योंकि दोस्तों देखिए, और जनरल में दोस्तों 1 से 2 नंबर। ओबीसी की कट ऑफ ज़्यादा इसलिए बढ़ती है दोस्तों, अब देखिए जनरल से ओबीसी की कट ऑफ इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि ओबीसी में दोस्तों एज रिलैक्सेशन मिलता है दोस्तों, एज की छूट मिलती है, तो जिसके वजह से जो ज़्यादा एज के बच्चे होते हैं वो अपने ही कैटेगरी में क्वालिफाई करते हैं, और जनरल के जानते हैं जिनका ज़्यादा नंबर होता है वो जनरल में चले जाते हैं। तो एज वाले बच्चे क्या करते हैं दोस्तों कि कैटेगरी की कट ऑफ बढ़ा देते हैं। अब फाइनल कट ऑफ देखिए, पिछली बार कोई ना कोई आपको 7 नंबर पे मिल गई थी, तो इस बार उम्मीद है कि ईडब्ल्यूएस में दोस्तों अगर आपका 5 से 6 नंबर है दोस्तों तो कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी, हम मैक्सिमम दोस्तों बता रहे हैं। इसमें भी दोस्तों आपको देखिए एससी में दोस्तों 4 से 5 नंबर है तो आपको पोस्ट कोई ना कोई मिल जाएगी, एसटी में भी दोस्तों 4 से 5 नंबर कोई ना कोई मिल जाएगी आपको दोस्तों। ओबीसी में देखिए पिछली बार की अपेक्षा कट ऑफ बढ़ने वाली है, तो आपको देखिए 5 से 6 नंबर है तो कोई ना कोई पोस्ट इस बार मिल जानी चाहिए, और जनरल एरिया में दोस्तों ये भी कट ऑफ आपको लगभग 5 से 6 नंबर ही मान सकते हैं। अगर दोस्तों आपके इतने नंबर हैं तो आपको कोई ना कोई इस बार पोस्ट मिल जानी चाहिए। अगर आपको सीएसएफ चाहिए दोस्तों, अगर सीएसएफ चाहिए और एसएसबी चाहिए तो आप देख सकते हैं उन सबकी कट ऑफ कितनी कितनी लगी है, तो लगभग 2-3 नंबर ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं अगर कट ऑफ से आपका 10 नंबर एक्स्ट्रा है तो आपको सीएसएफ दोस्तों पूरी उम्मीद है कि इस बार मिल जाएगी। तो जिस कैटेगरी में भी अगर आपको सीएसएफ की पोस्ट चाहिए दोस्तों, तो आप कैटेगरी में अगर 10 नंबर ज़्यादा हैं तो आपको सीएसएफ 100% इस बार मिल जानी चाहिए। अब देखेंगे दोस्तों नक्सल की कट ऑफ, दो एरिया होती है मध्य प्रदेश में, एक तो जनरल एरिया दूसरी नक्सल एरिया। तो नक्सल एरिया कट ऑफ क्या जाएगी, तो आप देख सकते हैं इतने बच्चे दोस्तों बुलाए गए हैं आपके, ये बच्चे वहाँ जनसंख्या इनकी संख्या कम है दोस्तों, वहाँ पे बच्चे कम लाए गए हैं। अब देखिए दोस्तों वैकेंसी यहाँ कम है इसलिए तो कट ऑफ इनकी आप देख सकते हैं जो फिजिकल की लगी है इतने पे लगी है। अब पिछली बार हम देख लेते हैं कि कट ऑफ कितने पे लगी थी, तो ऊपर देखेंगे आप ये फिजिकल की आपकी कट ऑफ है, ये दोस्तों मेडिकल की आपकी कट ऑफ है। देखिए जो जनरल की कट ऑफ लगी थी 53 पे लगी थी, और ओबीसी की कट ऑफ आप देख सकते हैं 58 पे लगी थी, और यहाँ पे एससी की कट ऑफ 33 पे आपको दोस्तों देखने को लगी थी। पिछली बार ईडब्ल्यूएस नहीं था तो 53 देखिए लगी थी, और मेडिकल कट ऑफ देखिए 1 नंबर बढ़ी थी, और 4 नंबर दोस्तों देखिए आपकी कट ऑफ जो थी ये मेडिकल के लिए बढ़ी थी,
ओबीसी एरिया में। इसी तरह से इस बार कटआउट की बात करें तो ईडब्ल्यू देखिए पिछली बार नहीं है दोस्तों, एक ही पोस्ट है दोस्तों और 12 बच्चों को बुलाया गया है। तो मान लेते हैं अगर 40% क्वालिफाई है तो तीन बच्चे हैं, तीनों मेडिकल में जाएंगे। तो मान लीजिए दोस्तों एक नंबर तक भी अगर आपका ज़्यादा है, एक नंबर से दो नंबर, तो आप मेडिकल के लिए ईडब्ल्यूएस में जरूर जरूर जाएंगे। अब एससी की बात करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों देखिए दो नंबर तक अगर आपके ज़्यादा हैं तो ही आप मेडिकल के लिए उम्मीद कीजिएगा। एसटी में भी दोस्तों वैकेंसी कम है तो देखिए कटआउट ज़्यादा जाएगी क्योंकि बच्चे कम हैं यहाँ पे, लेकिन कटआउट बढ़ जाएगी। यहाँ पे भी एक नंबर से दो नंबर है तो आपको मेडिकल के लिए बुला लिया जाएगा। अब ओबीसी की दोस्तों बात करते हैं तो यहाँ कटआउट आपकी बढ़ेगी, हो सकता है दोस्तों दो से चार नंबर तक यहाँ पे मेडिकल की कटआउट इस बार देखने को मिल जाए क्योंकि वैकेंसी कम है, बच्चे यहाँ दोस्तों ज़्यादा पास हैं। 10 देखिए 20 वैकेंसी है और बच्चे यहाँ पे ज़्यादा हैं। और यहाँ जनरल में 248 इनकी कटआउट देखिए एक नंबर से अगर दो नंबर तक है दोस्तों तो आपको मेडिकल के लिए बुला लिया जाएगा। अब फाइनल कटआउट देखिए दोस्तों देख लेते हैं कितनी बढ़ी थी। देखिए 53 पे आपको फिजिकल की कटआउट लगी थी और फाइनल कटआउट दोस्तों कितने पे हुआ नक्सल का वो देख लीजिए। सबसे जो कम कटआउट गई है दोस्तों 64 पे गई है, तो देख सकते हैं आप 11 नंबर कटआउट बढ़ गई है। और ओबीसी के 64 पे लगी थी दोस्तों 71 पे आपकी लगी है, तो साथ देख लीजिए आप कितनी कटआउट बढ़ी है। और यहाँ पे अगर आपको वो चाहिए तो 73 पे देखिए दोस्तों कटआउट लगी है। अब देख सकते 53 से 73 लोगों 20 नंबर दोस्तों कटआउट बढ़ी थी आपको CISF के लिए। इसलिए दोस्तों जन नक्सल की कटआउट बढ़ती है क्योंकि वैकेंसी कम होती है और बच्चे ज़्यादा होते हैं जो कि जिनका मार्क्स ज़्यादा होता है। इसलिए दोस्तों इनकी जो कटआउट है आपकी बढ़ने वाली है फाइनल ईडब्ल्यूएस की, देखिए दोस्तों 6 से 7 नंबर तक है तो ही आप उम्मीद करिएगा कि आपको कोई ना कोई पोस्ट मिलेगी। अगर आपको CISF चाहिए दोस्तों तो आपको 10 से 12 नंबर दोस्तों एक्स्ट्रा होना चाहिए तो ही आपको CISF मिलेगी। और इसमें बात करें तो ये भी 6 से 7 नंबर दोस्तों होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों एसटी में देखिए वैकेंसी ज़्यादा है इसलिए इसकी कटआउट भी 6 से 7 मान सकते हैं। ओबीसी में दोस्तों 7 से 8 नंबर तक अगर आपका ज़्यादा है तो ही आप उम्मीद कीजिएगा कि नक्सल में आपको कोई ना कोई पोस्ट मिलेगी। वैसे जनरल में भी दोस्तों इसकी कटआउट 7 से 8 नंबर अगर ज़्यादा है आपके तो ही दोस्तों आपको कोई ना कोई पोस्ट मिलेगी। इसमें दोस्तों कोई ना कोई पोस्ट इतने नंबर पर आपको मिल जाएगी, लेकिन अगर यहीं आपको CISF चाहिए और अदर पोस्ट चाहिए तो उसके लिए नंबर ज़्यादा होना चाहिए। CISF के लिए दोस्तों कम से आपके 12 से 15 नंबर दोस्तों ज़्यादा है कटआउट से जो फिजिकल की कटआउट लगी है तो ही आपको CISF दोस्तों मिलने वाली है। और दोस्तों अगर SSB चाहिए तो 10 से 12 नंबर तक हैं तो आपको SSB और अदर पोस्ट मिल जाएगी। आपको 6 से 8 नंबर के बीच है तो आपको इस बार BSF कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। तो दोस्तों ये मेरी एक्सपेक्टेड कटआप रही वीडियो। अगर वीडियो देखे थोड़ी लोग आप अगर अच्छी नहीं लगी तो दोस्तों उसके लिए सॉरी, लेकिन आप जानते हैं कि जब वैकेंसी 12 गुना दोस्तों बच्चों को बुलाया जाता है तो जब वहाँ पर कटआप कम जंप करती है ज़्यादा, 12 गुना में 1 की ओर वैकेंसी को लेनी होती है, इसलिए कटआप ज़्यादा करती है। तो ये वीडियो दोस्तों बस इतनी ही। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कल दोस्तों मेडिकल डेट से लेके एक इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है जो कि फिजिकल की डेट भी उसमें बताएंगे हम, तो मेडिकल की डेट को लेकर वीडियो आने वाली है। तो आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक करके दोस्तों में MP वाले शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टेट के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।